गायत्रीमा, आप सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज आपको बताने वाला हूँ आयुर्वेदिक एक अच्छे संबंधित है जो मधुमेह से जो ज़्यादा लोग पीड़ित हैं उन्हीं के लिए इस औषधि को मैं बता रहा हूँ। मधुमेह से आजकल के हमारे भारत देश में मधुमेह ज़्यादा करके शक्कर वगैरह कुछ नहीं खा सकते, तो इसको संयम नियम में बरतना पड़ता है। और कुछ धक्का लग जाए तो घाव वाव भी शरीर में होने लगता है, तो वो ठीक नहीं होता। तो आज हम मधुमेह को कैसे नियंत्रण करना है और कैसे खाना है इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा, आपको जरूर लाभ मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको भी पसंद आई होगी आएगी। तो इस औषधि को खुद बनाना और खुद प्रयोग करना, और मेरे यूट्यूब चैनल में आपने आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो मैं दवाई बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। त्रिफला 100 ग्राम, दारू हल्दी 100 ग्राम, नागर मोथा 100 ग्राम, अर्जुन छाल 100 ग्राम, नीम छाल 100 ग्राम, करण बीज 100 ग्राम, और मेथी का बीज 100 ग्राम, और आम की गुठली 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, गुड़मार 50 ग्राम, अजवायन 50 ग्राम, नाग केसर 50 ग्राम, अश्वगंध 100 ग्राम, और गुड़ुची जिसे गिलोय का रस लगभग 200 ग्राम, और करेला का ताज़ा पत्ते का रस लगभग 200 ग्राम लेना है। अब इसकी निर्माण करने की विधि क्या है मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भाई बहन। इसकी निर्माण करना कैसे है, तो सर्वप्रथम सभी औषधि जो है उसको अलग अलग कूट पीस पीसना है, अलग अलग कूटना पीसना है। और उसके बाद सभी औषधि द्रव्य औषधि को पूर्ण रूप से एक साथ मिला लेना है, और मिला करके उसको उस चूर्ण को खरल में, पत्थर के खरल में डाल करके करेला का पत्ते का रस मिलाना है उसमें, जिससे कि वह जितने भी चूर्ण की औषधि है वह भीग जाए। और उसको खरल कर देना है इस तरह से, वह सुखा दीजिए। अब सुखाने के बाद में अब क्या करें, सूख गया तो उसको और क्या करना है, खरल में डाल के उसी औषधि को उसमें गिलोय का रस डाल करके फिर उसको खरल करना है। इस तरह से आप उक्त चूर्ण को उसके सुखा लो। सुखाने के बाद में उस चूर्ण को फिर करेले के रस डाल करके फिर खरल करना है, फिर सुखाना है। उसके बाद फिर गुड़ुची का जो गिलोय है उसका रस डाल करके उसको खरल करना है। उसके बाद फिर करेला का सुखा करके करेले का रस का पत्ते का रस का फिर उसमें भावना दे करके घुटाई करना है, यानी कि खरल करना है। फिर उसके बाद गुड़ुची रस को घुटाई करना। इस तरह से आपको एक एक औषधि का 5-5 बार आपको भावना देकर खरल करना है। जब आखिरी घुटाई आ जाए 5वां नंबर की, तो आप चने के आकार की इसकी गोली बनाना है। अब इसको गोली बना करके आप 2 गोली सुबह शाम इसको हर दिन आपको खाना है। तो कितना भी भयंकर से भयंकर खतरनाक डायबिटीज है उसको यह नियंत्रण कर दे। जब तक यह आपको डायबिटीज ठीक ना हो जाए तब तक इस औषधि का आप सेवन करते रहेंगे। कुछ समय के बाद यह पूर्ण रूप से आपको आरोग्य लाभ प्रदान करता है। ये औषधि की महिमा है। तो इस तरह से आप अपना और तथा अपने दूसरों का भी कल्याण भला कर सकते हो। क्या है जी, आयुर्वेदिक में बहुत कुछ औषधि को खरीदना पड़ता है। अब आजकल क्या है, सब पैसे के बल से कुछ भी मेहनत करना नहीं जानते। अपने हाथों से खुद बनाओगे तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा औषधि बनता है, निर्माण होता है। मैं सच बता रहा हूँ, भले आप मानो या मत मानो मेरी बातों को। तो अपने हाथों से खुद बनाना चाहिए, खुद खरीदना चाहिए, दूसरे के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए।
और भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जब भी मैं आपसे संबंधित वीडियो डालूंगा यूट्यूब में, आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी, और जो भी जानकारी दूंगा सही जानकारी दूंगा। तब के लिए जय गायत्री माँ, वंदे मातरम।